हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है 10p इज इक्वल टू 100। सो p को सेपरेट करने के लिए वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। सो 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10। सो 10 10 कैंसल, 10 10 इज 100। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल p इज 10। तो p की वैल्यू में 10 मिली। ओके, सेकंड क्वेश्चन देयर, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले p को अलग करने के लिए जो प्लस 10 है उसको हटाना पड़ेगा। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 10 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, सो 10p प्लस 10 माइनस 10, 100 माइनस 10। सो ये 10 10 कैंसिल हो गया। सो 10p इज इक्वल टू 90। अब 10p में से 10 हटाना है, रिमूव करना है, तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। ओके, सो 10p अपॉन 10 एंड हियर 90 अपॉन 10। सो 10 10 कैंसिल, 10 9 जा 90, मीन्स p इज इक्वल टू 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, p अपॉन 4 इज गिवन। सो डिवाइड में p 4 दिया है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसका अपोजिट। सो मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। सो p अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो 4 4 कैंसल एंड p इज इक्वल टू, वी गॉट देयर 3 4 12। ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, माइनस p अपॉन 3 दिया हुआ है, तो हमें 3 हटाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, और माइनस भी हटाना है हमें। सो हम क्या करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बोथ साइड। सो माइनस पी अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस 3। सो ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 1 बचा। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका पी रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 3 15 माइनस 15। यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम 4 को हटाएंगे यहाँ पे, तो 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। सो 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 एंड हियर 6 मल्टीप्लाई 4। सो 4 4 कैंसिल हो गया, जस्ट रिमेनिंग देयर 3p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। ओके, नाउ हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। सो 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। सो 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल। सो p इज इक्वल टू 4 2 जा 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x इज इक्वल टू माइनस 9। सो 3x में से 3 हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है x के साथ में, सो वी विल डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। सो 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3। सो 3 3 कैंसिल, 3 3 जा 9। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट
वन टू सिक्स सम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट सेवन टू ट्वेल्व, तो इसमें फर्स्ट आप देखो लिखा हुआ है 3x+12 = 0। तो हम क्या करेंगे, पहले +12 हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में दिया था माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 बोथ साइड, दोनों साइड हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x+12 - 12 = यहाँ पे -12, 0 - 12। सो 12 12 कैंसिल, जस्ट ओनली रिमेनिंग 3x एंड हियर -12। नाउ डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। सो 3x/3 = -12/3। सो 3 3 कैंसिल, 3 4 12 कैंसिल हियर। सो x = -4 रिमेनिंग। ओके, दैट इज योर आंसर। 8 नंबर में 3x = 0 दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, सो 3x/3 = 0/3। 3 3 कैंसिल, एक्स हेयर, 3 0 = 0। ओके, एक्स इक्वल टू आपको 0 मिला। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2q = 6 दिया हुआ है। तो हमें 2 रिमूव करना है, तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं वो दोनों साइड करने होंगे हमेशा। सो 2q/2 = 6/2। तो 2 2 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, मीन्स q = 3। क्वेश्चन नंबर 10, 2q - 6 = 0 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को रिमूव को हटाने के लिए पहले -6 हटाएंगे। तो मैं प्लस माइनस में दिया है, सब्ट्रैक्शन में दिया, तो प्लस करेंगे, ऐड बोथ साइड 6, दोनों साइड 6 ऐड करेंगे। तो 2q - 6 + 6 ऐड किया, और यहाँ पर 0 + 6, तो 6 - + कैंसिल। सो 2q = 6 बचा यहाँ पर। अब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2 ताकि हमको q मिले खाली, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। सो 2q/2 = 6/2। 2 2 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, सो q = 3। क्वेश्चन नंबर 11, 2q + 6 = 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। सो 2q+6 - 6 = 0 - 6। ओके, सो ये 6 6 कैंसिल, सो 2q रिमेनिंग हियर, और यहाँ -6। अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। सो 2q/2 = -6/2। सो 2 2 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, मीन्स q = -3। लास्ट क्वेश्चन 12 है। 2q+6 = 12 दिया हुआ, तो हम केवल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। सो 2q+6 - 6 = 12 - 6। 6 - 6 = 0, 2q रिमेनिंग है, एंड 12 - 6 = 6। अब 2 हटाने के लिए q में से हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ओके, सो 2q/2 = 6/2। सो 2 2 कैंसिल हियर, 2 3 6 कैंसिल, मीन्स q = 3 रिमेनिंग। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसी तरह आपको सभी सम्स करने होंगे। थैंक यू।